उसके बाद में मेरे किसी भी पिन पे इस पे ग्रेड नहीं आ रहा, और जब ग्रेड नहीं आता है ऐसी के ऑडियो ऐसी के पिन पे, तो वाजिब है जो हम आप सभी जो है ऐसी पे शक करते हैं, तो ऐसी हमने इसका चेंज कर दिया। जब ऐसी हमने चेंज कर दिया, उसके बाद जो फॉल्ट आया निकल के, दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज जो मैं आप सभी के बीच वीडियो लेकर के आया हूँ, पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस टीवी को जब मेरे पास लाया गया था तो इस टीवी में कई प्रॉब्लम था। कस्टमर का कहना है कि एक साल से ये रखा हुआ था टीवी, तो आप जितना भी ये देख रहे हैं कैपेसिटर वगैरह, ये सारा ख़राब था, जिसको कि मैंने चेंज किया, उसके बाद ये टीवी ऑन हुआ। इसका जो ख़राब वाला है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं किस तरह से ख़राब था ये। तो इस सिचुएशन में ये मेरे पास टीवी आया हुआ था, ऐसे कई कैपेसिटर था जो ख़राब था, शॉर्टकट मैं आपको बता दूं। तो और ये है कंपनी वीडियोकॉन कंपनी का ये टीवी है 14 इंच का, और कस्टमर का कहना है एक साल से रखा हुआ था, ख़राब होने के बाद उसने बनवाया ही नहीं। तो अब मेरा सारा काम मैंने कर दिया है, इसका पावर सप्लाई भी चीज था जिसमें कि रेजिस्टेंस वगैरह, रेक्टिफायर वगैरह, पीएफ, ये सब जो है डेट था। तो अब इतने सामान को चेंज करते हुए थोड़ा आलस की वजह से मैंने इसमें चाइना पावर सप्लाई का किट लगा दिया है, तो टीवी मेरा ओके हो गया, ऑन हो गया। और एक और बात बताऊँ कि इसमें जो एक वर्टिकल ऐसी थी, वो वर्टिकल ऐसी भी ख़राब थी, जो कि आप देख सकते हैं, दिखाता हूँ आपको, ये वर्टिकल ऐसी आप देख सकते हैं, ये क्रैक है। तो ये ऊपर से नहीं दिखता था, लेकिन जब मैंने मीटर से सप्लाई चेक किया और सप्लाई को ड्रॉप कर रहा था तो उस टाइम जो है मुझे पता चला, तो मैंने ये वर्टिकल ऐसी भी इसका चेंज कर रखा है, ये वाला। और इतना काम होने के बावजूद भी अब इसमें पंगा आ गया था साउंड का, तो जब साउंड का पंगा आ गया तो वाजिब है जो हम इसका स्पीकर चेक करेंगे, ऐसी चेक करेंगे, ऐसी पे सप्लाई चेक करेंगे। आईसी पे सप्लाई वगैरह चेक किया मैंने, तो सप्लाई मेरा ओके था, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं, मैं टीवी ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पहले मैंने काम किया उसका वीडियो बनाना, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इस छोटे मोटे काम का क्या वीडियो बनाएं, तो इसलिए कुछ ऐसा फॉल्ट निकल के आया इस टीवी में कि जिसके लिए हमें वीडियो बनाने पे आतुर कर दिया, और मैंने वीडियो बना लिया है। तो मैं आपको टीवी ऑन करके दिखाता हूँ, मैंने टीवी में सप्लाई डाल दिया है, टीवी ऑन है, और आप ये देख सकते हैं पिक्चर आ रही है, किंतु इसमें आवाज़ नहीं आ रही। डीसी 10 वोल्ट पे लगा दिया है मीटर, और अब मैं इसका सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ आपको, जो कि सप्लाई मेरा इस पर जो है 16 वोल्ट जाना चाहिए, वो मेरा बराबर जा रहा है। ऑडियो ऐसी पे ये मेरा सप्लाई ओके है, ऑडियो ऐसी पे। तो जब मेरा सप्लाई ओके है, उसके बाद में मेरे किसी भी पिन पे इस पे ग्रेड नहीं आ रहा, और जब ग्रेड नहीं आता है ऐसी के ऑडियो ऐसी के पिन पे, तो वाजिब है जो हम आप सभी जो है ऐसी पे शक करते हैं, तो ऐसी हमने इसका चेंज कर दिया। जब ऐसी हमने चेंज कर दिया, उसके बाद जो फॉल्ट आया निकल के, तब भी मेरा टीवी में साउंड नहीं आया। तो अब जो मैं इसमें फॉल्ट निकाला हूँ वो ये है कि जो स्पीकर का दोनों कोर लगा हुआ है, स्पीकर का वायर, ये मैंने बाहर से स्पीकर लगा दिया, क्योंकि मुझे काम करना है किट में, तो इसलिए मैंने जो है उसका टीवी का स्पीकर खोल के और अपना स्पीकर जो है सोल्डिंग कर दिया है। आपको मैं दिखाऊं कि इसमें जो ये दो जीनर लगा हुआ है जो स्पीकर के दोनों पिन पे आता है, इसको अर्थ से, ये ऐसी से तो स्पीकर का पिन आया हुआ है, एक इस पिन से और एक इस पिन से, और इसमें क्या है जो अर्थ से दे रखा है दो रेक्टिफायर इसलिए दे रखा है कि कहीं खुदा नखास्ता अगर स्पीकर खराब होने वाला रहेगा, तो स्पीकर खराब होने से पहले आपका ये रेक्टिफायर खराब हो जाएगा, और अगर ऐसी पे दबाव पड़ेगी तो ये रेक्टिफायर उसको झेल लेगा। ये कंपनी के टीवी में कुछ बढ़िया से सिस्टम एम्पलीफाई करके देता है, तो इसमें कुछ इसी तरह से तरकीब दे रखा है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये दोनों जो जीनर लगा हुआ है, इस जीनर को मैं खोल के और चेक करके मैं आपको दिखाता हूं, फिर आप देखिए कि इसमें फॉल्ट कितना बड़ा था और कितना छोटा था, जो कि ढूंढने में कई टाइम लग जाता है अच्छे अच्छे मिस्त्री को। तो अब मैं इसका सप्लाई ऑफ कर देता हूं और इसका ये जीनर को मैं किट से बाहर निकालता हूं।
और फिर मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये दोनों जो जीनर लगा है, इसमें ये जीनर जो है इसका ये शॉर्ट है। मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं चेक करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जीनर लगा हुआ था यहाँ पे, मैंने निकाल लिया है। अब इस जीनर को मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। मीटर को मैं डायरेक्ट पे लगा दिया और ये आप देख सकते हैं ओपन है, ओपन यानी कि दोनों तरफ से ये उठ रहा है मीटर। तो दोनों तरफ से मीटर इसमें नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव होता है। दोनों तरफ से उठने का मतलब है जो आपका जीनर खराब है, ये देख सकते हैं। ये मैंने आपको कंफर्म करवा दिया। अब देखिए, जो मैंने बताया था कि ये कंपनी के टीवी में कुछ अलग सिस्टम रहता है, बढ़िया से काम करके देते हैं कंपनी वाले कि जल्दी फॉल्ट ना हो, तो उसका रीज़न ये है कहने का कि अगर मैंने ये जीनर खोल भी दिया, ओपन कर दिया है, फिर भी अगर मैं अब टीवी चालू करूँगा तो इसमें आवाज़ आएगी। मैंने टीवी का स्विच दे दिया है, टीवी ऑन किया मैंने और आवाज आ गया इसमें। तो अब अगर मैं इसमें जीनर लगाऊं तो भी ठीक है, ना लगाऊं तो भी ठीक है, लेकिन कंपनी का किट है तो इसमें मुझे इसको जो जैसा था उस तरह से काम करके देना है कस्टमर को। तो मैंने ये एक जीनर पहले से निकाल कर रखा है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मैं टीवी ऑफ कर देता हूँ और इसमें ये मैंने दूसरा जीनर लिया है, ये मैं लगा देता हूँ। इसको भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ताकि आप कन्फर्म हो जाएंगे। तो जीनर चेक करने का तरीका भी आपको मालूम हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में एक तरफ से उठेगा, निगेटिव निगेटिव में लगाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव में लगाएंगे, और दूसरे तरफ से पॉजिटिव निगेटिव में लगाएंगे निगेटिव पॉजिटिव में लगाएंगे तो नहीं उठेगा। देखिए सीधे सीधे में उठेगा, उल्टे में नहीं उठेगा। देख सकते हैं आप, ये जीनर ठीक है। मैं इस जीनर को यहाँ लगा देता हूँ और फिर मैं टीवी चालू करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जीनर लगा दिया है, अब आपको दिखाता हूँ टीवी ऑन करके चालू करके। आवाज आ गया। अब मैं इसमें जो इसका स्पीकर है वो लगा देता हूँ, मेरा अपना वाला मैं स्पीकर खोल लेता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, इसका ये जीनर खराब था, मैंने जीनर चेंज कर दिया। तो ये मेरा ओके है। ये जीनर इसका खराब था, ये कहीं नहीं ना हमसे और बर्दाश्त ना हो रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, नए नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। हम उनके बुजुर्ग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।